पब्लिक हेल्थ सोसाइटी के द्वारा एक अनोखी पहल। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से बड़ी खबर। आपको बता दें कि आज पब्लिक हेल्थ सोसाइटी द्वारा एक अनोखी पहल देखने को मिली। जी हां, गदरपुर स्थित कम्बोज धर्मशाला में नेकी की दीवार का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व चेयरमैन सुरेश कम्बोज के द्वारा रिबन काट कर उद्घाटन किया गया। कम्बोज द्वारा पब्लिक हेल्थ सोसाइटी को हर संभव मदद करने के लिए कहा गया। इस दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष मोहित अरोरा द्वारा कहा गया कि हमारे द्वारा समय समय पर पहले भी जरूरतमंदों व्यक्तियों को कपड़ों का वितरण किया जाता रहा और अब गदरपुर स्थित कम्बोज धर्मशाला में नेकी की दीवार की जरिए लोगों तक कपड़ा, जूता, चप्पल आदि पहुंचाया जा सकेगा। और आम जनता से भी अनुरोध किया गया है कि आप भी आगे बढ़कर सोसाइटी के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करें। देखिए, गदरपुर से सानू अली की रिपोर्ट। आज पब्लिक हेल्थ सोसाइटी की तरफ से, जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है, जिसके मोहित जी अरोरा जी ये अपने अध्यक्ष हैं और बिटिया चंद्रिका फोगाट जी इसकी कोषाध्यक्ष हैं। अभी पिछले दिनों आपने एक प्रस्ताव रखा था कि गदरपुर धर्मशाला में यदि हमको एक दीवार, गरीब जो पात्र व्यक्ति हैं, जो असहाय लोग हैं, उनको जो भी दान देना चाहता है वो देके जाए, जैसे कि कपड़े, जूते, चप्पल, जिसके अनुपयोग, जिसका उपयोग नहीं है, जो मर्जी यहाँ से ले जा सकता है। और पूरे क्षेत्र में जिसको भी आवश्यकता, गरीबों की मदद करनी हो, वो यहाँ पर आकर, वह ये नेकी की दीवार यहाँ पर, आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर सारे वस्त्र वगैरह टंगे हैं, जो मर्जी यहाँ से ले जा सकता है। और जो दानदाता है वो यहाँ पर आकर अपना यहाँ पर दान दे सकता है, टांग जिसको जितनी आवश्यकता है वो यहाँ से ले जा सकता है। द्वारा समय समय पर ज़रूरतमंदों के लिए कपड़ों का वितरण पहले भी किया जाता है, लेकिन हमारे पास एक जगह नहीं थी, तो हमने कम्बोजी से आग्रह किया कि हमें एक जगह उपलब्ध करवाई जाए। तो कम्बोजी द्वारा, कम्बोज धर्मशाला में हमें एक जगह उपलब्ध करवाई गई, जिसके द्वारा हम यहाँ पर गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए कपड़े टांग दिया करेंगे। हमारे पास वैसे भी कपड़े आते रहते हैं और मैं लोगों से कहना भी चाहूँगा कि या तो हमें उपलब्ध करवा दिया करें कपड़े, या खुद आकर यहाँ पर टांग दिया करें, और जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है वो यहाँ से आकर ले जा सकता है और अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। हम नहीं चाहते कि ठंड की वजह से या कोई वस्त्रहीन रहे, या कोई किसी को ज़रूरत हो, कोई कपड़ा है, जूता है, चप्पल है, कोई भी है, हमारे द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा जितना हो सकेगा हमारे द्वारा।